हेलो दोस्तों, आज मैं मेरा पीसी में विंडोज 10 इंस्टॉल करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे देखिए, मेरा ड्राइव का जितना भी पार्टीशन है, चार पार्टीशन है, यहाँ पे शो किया है 1, 2, 3, 4। तो ये सी ड्राइव है, इसका साइज देखिए आपका 229.2 GB। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे डिजेबल है। तो क्यों डिजेबल है, यहाँ पे देखिए लिखा आ गया है इधर, यहाँ पे विंडोज कैन बी इंस्टॉल ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1 फॉर डिटेल्स। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या डिटेल दे रहा है देखिए। यहाँ पे देखिए, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल। ऑन EFI सिस्टम विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल टू GPT डिस्क। तो GPT डिस्क में कैसे कन्वर्ट करता हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस F10 प्रेस कीजिए। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने के बाद ये आपका आ गया है CMD। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा डिस्क, DISK PART। यहाँ पे देखिए डिस्क पार्ट मैंने क्लिक किया, टाइप किया, उसके बाद एंटर किया। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे लिस्ट, LIST लिस्ट स्पेस डिस्क, SISK डिस्क लिस्ट डिस्क, उसके बाद एंटर किया। उसके बाद देखिए मेरा जो डिस्क है वो आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, ऊपर वाला देखिए आपका, ये देखिए 9.31 GB, मतलब ये हार्ड डिस्क है मेरा, और ये मेरा है 14 GB का है, ये पेन ड्राइव लगा हुआ है। तो मुझे सिलेक्ट करना है डिस्क 0। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ SELECT सिलेक्ट स्पेस DISK डिस्क स्पेस 0। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट लिख दिया, उसके बाद स्पेस दे दिया, उसके बाद डिस्क, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 0। मतलब इसका नाम डिस्क 0 है, इसलिए मैंने 0 डिस्क 0 लिख दिया, मतलब सिलेक्ट होगा डिस्क 0। तो इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि आपका डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। तो मेरा जो डिस्क ड्राइव है वो सिलेक्ट हो गया। अभी इसको क्लीन करना है, CLEAN क्लीन करके, क्लीन लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली। ये देखिए डिस्क पास सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। अभी क्या करना होगा, कॉन्वर्ट करना होगा, कॉन्वर्ट टू स्पेस, कॉन्वर्ट लिख के स्पेस दे दिया, उसके बाद टू स्पेस GPT। देखिए कॉन्वर्ट लिख के स्पेस दे दिया, उसके बाद टू, उसके बाद स्पेस देके GPT, उसके बाद एंटर, एंटर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए कॉन्वर्ट ए डिस्क फ्रॉम डायनेमिक टू बेसिक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी इसको एग्जिट कीजिए, EXIT, ये देखिए EXIT एंटर, फिर से EXIT एंटर, एंटर कर दिया। अभी देखिए इधर ये आ गया, ये आपका कॉन्वर्ट हो गया। कॉन्वर्ट होने के बाद मतलब आपका जितना भी ड्राइव है पार्टीशन था वो सब डिलीट हो गया। अभी ये कॉन्वर्ट हो गया, आप यहाँ पे नया आप ड्राइव पार्टीशन कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 150 GB देता हूँ। बाकी ये देखिए मेरा ये एक्टिवेट हो गया। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आता है तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और इसी तरह से कर दीजिए, होगा शायद। यहाँ पे देखिए मेरा नेक्स्ट जो है वो इनेबल हो गया। अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और मेरा जो अनलोकेटेड स्पेस है वो बाद में मैं ड्राइव कर लूँगा, अभी मैं इसी ड्राइव ही कर लेता हूँ। तो ये हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।